हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर है। मेरे पास आए दिन नहीं तो इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बीएड में, बीएड को लेकर के, बीएड में इतना कंफ्यूजन है आप लोगों में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक भी कर चुके हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो में कि अगर आप बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं, मैं तो बोलूँगी कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और किस किस चीजों पर जो है स्पेशल फोकस करना चाहिए, ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर जो है बीएड के क्लासेस कंडक्ट करवाए जाते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर 4 बजे, बीएड सेकेंड ईयर के लिए 7 बजे इवनिंग में, और साथ ही साथ हम पेड क्लास भी जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। मैं जितने भी आप लोग के क्वेश्चन हैं और जितने भी क्वेरीज हैं उसको आप लोग का सॉल्व करके वीडियो में देती हूँ। अगर आप लोग को अभी कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हो। इस वीडियो का सजेशन जो है हमारे ही एक स्टूडेंट की तरफ से आया है, प्रज्ञा की तरफ से। उन्होंने बताया है कि उनको, उनके फ्रेंड्स को, और उनको ये सारी चीज़ों में कंफ्यूजन है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इन सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए बात करते हैं कि बीएड करते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप खुद सोचिए। तो आपको सबसे पहले जो है, अगर आप बीएड में ये करना चाहते हो और सोच रहे हो करने के लिए, तो अपनी एलिजिबिलिटी देखना चाहिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं। मैं आपको बता दूं, मेरे पास मैसेज में इतने मैसेजेस आए हैं कि उन लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता थी, और जो भी इस कॉलेज के होते हैं वो बोल देते हैं मैं तो एडमिशन करवा दूंगा। एलिजिबिलिटी क्या है कि ग्रेजुएशन में एनी हाउ आपका 50% होना चाहिए। और कल ही मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम, मेरा जो है ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, और कॉलेज वाले ने मुझे बोला कि आपका हो जाएगा, मैं एडमिशन करवा दूंगा और आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, कोई ज़्यादा ये सोचने की बात नहीं है। अभी वो बच्चा जो है वो सेकेंड ईयर में है और उसका ग्रेजुएशन में 50% है नहीं, मास्टर उसने किया नहीं है, तो सोचिए क्या उसका बीएड जो है वैलिड है? बिल्कुल नहीं। उसका बीएड करने के बाद भी वो वैलिड नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को बीएड करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सोचना है, समझना है, क्योंकि विदाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल किए हुए आप बीएड करते हो तो वो वैलिड नहीं होगा। अब उस बच्चे का सोचिए जिसका 50% ग्रेजुएशन में है नहीं, कॉलेज वाले को तो पैसा चाहिए था, उसने एडमिशन ले लिया और उसके बाद से अभी वो सेकेंड ईयर में है, उतना पैसा उसका ऑलरेडी खर्च हो चुका है, लेकिन उसका जो है बीएड वैलिड नहीं होने वाला है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन में जो है आपका 50% चाहिए ही, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो। अगर बाय द वे आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आप लोग जो है वेट कीजिए, मास्टर कंप्लीट कीजिए, उसमें 50-55% का क्राइटेरिया रहता है, वो फुलफिल कीजिए, उसके बाद बीएड कीजिए। कोई भी कुछ भी आपसे बोले तो उस पर बिलीव मत कीजिए, एक्चुअल जो डेटा है, एक्चुअल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पे ध्यान दीजिए। तो ये तो पहला हुआ कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखना होगा। दूसरा जो है हमारा, जिसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं उसका अप्रूवल आपको ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी जो है एफिलिएटेड है या नहीं। एफिलिएशन जो है एनसीटी और आपका जो है यूजीसी अप्रूव्ड करता है, और एनसीटी जो है उसको मान्यता देता है। तो एनसीटी से या यूजीसी से जो है अप्रूव्ड होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद ही आप कीजिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे केसेस है कि बच्चे जो हैं बीएड ऐसे यूनिवर्सिटीज से कर रहे हैं जिसका अप्रूवल नहीं है, उसको यूजीसी ने, एनसीटी ने अप्रूवल नहीं दिया है, तो उस केस में भी आपका बीएड का डिग्री जो है वैलिड नहीं होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो अप्रूवल देखना भी बहुत जरूरी है अपनी यूनिवर्सिटी का। तीसरा और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट जो कंफ्यूजिंग है वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के ही स्टूडेंट्स का मैसेज
मैसेज है, हमारी प्रज्ञा है एक स्टूडेंट, उन्होंने मैसेज किया है कि मैम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में किस तरह का कॉम्बिनेशन रखा जाए। कन्फ्यूज़न ये है, बच्चे ये बोलते हैं कि उनका जो है मैथ्स सेकेंड ईयर में था और थर्ड ईयर में जो है उन्होंने मैथ्स नहीं रखा है, लेकिन जो मैथड पेपर उन्होंने लिया है वो मैथ्स रख लिया है। जो बी एड में जब मैथड करने गए तो मैथड पेपर में मैथ्स रखा है, तो क्या वो सही कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल, देखिए रूल ये है कि आपके ग्रेजुएशन में चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। हो सकता है आपने फर्स्ट ईयर में रखा हो सब्जेक्ट और सेकेंड और थर्ड ईयर में नहीं रखा हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपका था ना, तो आप उससे जो है बी एड कर सकते हो, ये क्लियर होता है। अब आ जाता है कि अगर आप मैथ से बीएड कर रहे हो तो क्या आप कौन से सब्जेक्ट में जो है जब वैकेंसी निकलेगी तो अप्लाई करोगे? तो वैकेंसी निकलेगी तो अप्लाई जो है जो आपका ऑनर्स पेपर था उसी के थ्रू कीजिएगा। और इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जो आपका ऑनर्स पेपर है उसी से बीएड कीजिए, सो ईजी, इसमें कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत ही क्या है। आपका ऑनर्स पेपर फिजिक्स है तो फिजिक्स से बीएड कीजिए, सीधी जो है आप TGT में फिजिक्स में या साइंस में, TGT अगर कर रहे हो तो साइंस हो जाएगा, चाहे आप फिजिक्स से करें, केमिस्ट्री से करें, बॉटनी से करें, जियोलॉजी से करें, अगर या फिजिकल साइंस से करें, अगर आपने जो है इसमें TGT में आपने अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर रहे हो तो वो साइंस में ही काउंट होता है। तो ये होता है एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इस पर हम लोगों ने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, वो वीडियो आप जा करके देख सकते हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, और उसको क्लियर कीजिए, उसमें कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा प्लीज। चौथा जो है आप लोगों का हो जाता है कि जो इस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लैंग्वेज सिलेक्शन। पहले बच्चे इंग्लिश ले लेते हैं, फिर उनको लगता है कि वो इंग्लिश से नहीं हो पाएगा तो हिंदी लेना चाहते हैं, या हिंदी ले लेते हैं फिर इंग्लिश लेना चाहते हैं। तो पहले से ही आप अपना माइंड मेकअप कीजिए कि आपको हिंदी से बीएड करना है या इंग्लिश से करना है। लैंग्वेज सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये भी गलती स्टूडेंट्स हमेशा करते ही रहते हैं। तो और फिफ्थ नंबर है जो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसको इग्नोर मत कीजिए, वो है इंटरनल मार्क्स। जैसे कि हम जानते हैं कि बीएड जो है प्रैक्टिकल का जो है सब्जेक्ट होता है, प्रैक्टिकल का कोर्स है, तो इसमें इंटरनल मार्क्स आपके बहुत मायने रखते हैं। हर एक सब्जेक्ट में जो है 80-80 मार्क्स का एग्जाम, रिटन एग्जाम होता है 80 और 70 मार्क्स का, ऑन द रेस्ट ऑफ जो आपके मार्क्स रहते हैं 20 या 30 वो इंटरनल में आते हैं। तो इंटरनल मार्क्स को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो भी बहुत मायने रखता है। उसके लिए टाइम पर असाइनमेंट देना, प्रैक्टिकल बनाना, अपने टीचर्स के साथ, प्रोफेसर के साथ अच्छे रिलेशन में रहना, क्योंकि आप उनसे बदतमीजी करोगे वो मार्क्स उन्हीं के हाथ में है, वो आपका जो है डाउन हो जाएगा। तो अच्छे से रिस्पेक्टफुली उनको रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट डिजर्व भी करते हैं तो वो सब देना, ये सारी चीज़ें मेंटेन करके आप इंटरनल मार्क्स पे भी फोकस करो, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये पांच गलतियां जो अगर आप बीएड कर रहे हो या करने वाले हो तो आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो, जो लोग बीएड करने वाले हैं या कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।